गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैनल पर, लेट्स क्रैक 12 सीबीएसई साइंस। और आप जुड़ चुके हैं अन अकेडमी पर, और जो बच्चे आज पहली बार मुझे देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं अपने बारे में कुछ। माय नेम इज़ अनुराग तिवारी, और आपको अन अकेडमी पर लाइव पढ़ाता हूँ। और ये कुछ मेरे बारे में है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। आई एम टीचिंग एंड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स, फर्स्ट थिंग, ठीक। साथ साथ में बहुत से बच्चे हैं, दे गॉट देयर MBBS अलॉन्ग विद देयर 12th क्लास, अलॉन्ग विद देयर 12th क्लास। तो काफ़ी बच्चे हैं इस 5-6 साल की जर्नी में, है ना, जिसमें बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं अपनी तरफ से। साथ साथ में बेसिकली रिसर्च फील्ड से हूँ, तो कुछ अच्छे रिसर्च पेपर भी हैं, और कुछ रेगुलरली कुछ नीट मैगजीन्स में ऑथर भी। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स अबाउट मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग जुड़ चुके हैं इस टाइम इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से, और जहां पर आपको मिलती हैं बहुत सी लाइव क्लासेस, बहुत सा स्ट्रक्चर्ड कोर्स, बहुत सी लाइव टेस्टिंग, क्विजेज, और अनलिमिटेड एसेस के साथ में जहाँ पर आप टीचर के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। क्लास चल रही है ना, उसमें आप टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चन क्यों हुआ, सर इस क्वेश्चन को दोबारा बताएं, है ना। एंड टेलीग्राम पर मैंने कल वाली PDF जो मैंने करवाई थी आपको, 55 क्वेश्चन, उसको आंसर लगाकर मैंने भेजा है तुम लोगों को, हर एक का आंसर मार्क किया है, तो उसको एक बार जरूर देखना। अच्छी PDF है, 55 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम UGenesis, तो ये एक हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ फायदे हैं आपको। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, लाइव क्लासेस तो मिलती हैं आपको, है ना, साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो एक ही चीज़ को जो लिंक है, सेम लिंक, उस लिंक से आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लाइव पढ़ लो अभी। और यही जो सेम लिंक है ना हमारा तुम्हारा, जिससे हम ये क्लासेस कर रहे हैं आज, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आज पढ़ेंगे, इसी को आप बाद में भी देख सकते हो, एक बार, दो बार, 10 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार, इट्स ऑल अप टू यू, है ना, इस बात को समझें। तो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स अन अकेडमी के साथ में। लाइव टेस्टिंग, आप अपने आप को इवेल्युएट कैसे करोगे, बिना टेस्ट के तो नहीं कर पाओगे, बहुत सीधी सी चीज़। तो ये कुछ फायदे हैं जो अन अकेडमी आपको देता है। और एवरी वीक आपको वीकली क्विज मिलती हैं, है ना, मेगा क्विजेज मिलती हैं। तो ये कुछ फायदे हैं आपको अन अकेडमी में, जहाँ पर आप जब इसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तो ये सारे फायदे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगते हैं। यहाँ पर बहुत से टॉप एजुकेटर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत से टॉप एजुकेटर्स जिनसे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बातें समझ पा रहे हैं, और सिस्टमैटिक कोर्सेज के फॉर्म में, लाइक 30+ कोर्सेज अवेलेबल इन बायोलॉजी, तो ये कम नहीं होते, है ना। और सब कुछ जो अब पढ़ेगा, फॉर एग्जांपल मैंने इकोलॉजी का कोर्स प्लान किया है, तो इकोलॉजी का कोर्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, राइट। तो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स। और साथ साथ में आपको अन अकेडमी से जुड़ने के लिए अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, कहाँ से, प्ले स्टोर से सीधे जाना है, इंस्टॉल करना है। और जब आप इंस्टॉल कर लोगे, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इंग्लिश वाले वीडियोस देखना चाहते हो या फिर हिंदी वाले, है ना, या फिर हिंदी वाले वीडियोस, मतलब वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हिंदी इंग्लिश मिक्स है, जैसे हिंदी बोल रहा हूँ बट लिख इंग्लिश में रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको तब हिंदी सेलेक्ट करनी होंगी। हाँ, आप अगर लाइक किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, आप हिंदी नहीं समझते हो, देन यू हैव टू सेलेक्ट इंग्लिश। यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ है अकेडमी के साथ में। और आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करना है इस पर क्लिक करके। और गोल क्या होना चाहिए आपका, CBSE क्लास 12th। एडिशनली तुम नीट भी गोल ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। पैरेलल में हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्वेस्ट 12 CBSE साइंस, है ना, क्वेस्ट 12 CBSE साइंस, राइट। और इसमें ज्वाइन करने पर आप हमारे ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाओगे, और जितने भी लेक्चर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी हैं, वो सारे इस पे डाल दिए जाते हैं। और अगर मेरे से जुड़ रहे हो एडिशनली, तो बायो AT सर, दिस इज माई वॉट टेलीग्राम चैनल, जो यहाँ पर सर्च करना है, बायो AT सर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल से जुड़ जाओगे। जो बच्चे अभी तक प्लस पर नहीं आए हैं, मैं उनके लिए बता दूं, आई एम रिकमेंडिंग यू 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, है ना, क्योंकि इसी वीक से
एक इकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, राइट, तो उसको जाकर एनरोल कर लो, और एनरोल करने का बेनिफिट मैंने अभी आपको टेलीग्राम में भेज दिया है ना, क्या? गुड मॉर्निंग ओमपाल, क्या बेनिफिट है? आप उसको एक साल के लिए अगर एनरोल करते हो तो आपकी फीस कितनी है? 12,500 ओनली, एक्चुअली ओनली, यस, मैं यहाँ जरूर कहूँगा ओनली, क्यों? क्योंकि इसी में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं ट्वेल्थ क्लास में, वो सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि आप मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हो, आप सब कुछ एसेस कर सकते हो। मैंने बोला ना, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ ही मिल जा रहा है, वन थिंग। और इफ यू यूज माई कोड, दिस इज माई कोड एटी सर, राइट, एटी सर, अकॉर्डिंग टू माई नेम अनुराग तिवारी, है ना, तो एटी सर, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो यू विल गेट 10% ऑफ फर्स्ट थिंग, है ना। और एडिशनली मैंने दो चीजें मुझे पता चली हैं, और दो चीजें मैं जो कर सकता हूं एडिशनली, जो भी आपकी फीस है 10% तो एडिशनल मिली रही है, जो भी आप फी पेमेंट करोगे मुझे आप व्हाट्सएप करो, आपको मैं एडिशनल 10% रिफंड करा दूंगा आफ्टर पेमेंट, जस्ट आफ्टर द पेमेंट। इट मींस आपको जो फीस जो आपकी हुई वो कितनी हुई, मैंने टेलीग्राम पर मैसेज किया, प्लीज उसको देख लेना, उसका मतलब ये मुझे पता चला, तो मैंने कहा मैं बच्चों को क्यों ना ये बेनिफिट दूं। तो सोचो कितना सस्ता हो गया, 10% का तो 11,250 आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट के बाद मुझे स्क्रीनशॉट दिया, दो फायदे दूंगा, आपने 11,250 दिया ना, मैं आपको अलग से रिफंड करूंगा इतना रुपए और, है ना, ये आपके अकाउंट में जाएंगे, दैट में भी पेटीएम, दैट में भी लाइक एनीथिंग, गूगल पे, दैट में भी योर बैंक अकाउंट, इतना अमाउंट मैं आपको और पे कर सकता हूँ। एंड अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, आप प्लस भी ज्वाइन हो गए, फायदा तो हुआ ही, क्योंकि आप सारे टीचर्स को एसेस कर सकते हो, ये अमाउंट में आपको एडिशनल, प्लस साथ में सारी सॉफ्ट कॉपीज आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स, फ्यू नहीं यार, ये तो अब कुछ बचा ही नहीं, आप यूं समझ लो कि कहानियां 12,000 से आकर कहां चली गई। तो 10% तो एक ऑफिशियल ऑफ मिला, हाँ मेरा कोड यूज करते हो तो मैं आपको एडिशनल 10% ऑफ दूंगा, साथ साथ में जितनी भी सॉफ्ट कॉपीज हैं आपकी मैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सो ये कुछ बेनिफिट हैं जो आपको मिलेंगे, जल्दी से जल्दी आ जाओ, क्योंकि इसी वीक में इकोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, और इकोलॉजी से फिर बैक चलूंगा, बातें समझ में आ रही, बैक, क्योंकि बहुत से कोर्सेज ऑलरेडी फ्रंट से स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत से कोर्सेज खत्म भी हो चुके हैं, बट मैं बैक से स्टार्ट करूँ क्योंकि उसको किसी ने नहीं स्टार्ट किया, और इकोलॉजी एक अच्छा चैप्टर है, हैवी चैप्टर है, कंसेप्चुअल है, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए, ठीक है। एंड दोबारा जो बच्चे ये चीज़ नहीं जानते हैं, मैं अपना कोर्स अक्टूबर में, क्योंकि अब तो सिलेबस भी कम हो गया है, तो मैं अपना सिलेबस I'll try to complete September, but yes, October first week या mid मानकर चल रहे हैं, along with the testing, सारे जो चीज़ें करता हूँ, और उसके बाद मैं 11th revise कराऊंगा, आपको ये additional मैं benefit दूंगा। 11th कैसे पढ़ाऊंगा, मैं अपने YouTube चैनल पर तुमको 11th भी पढ़ाऊंगा, just after completion of the 12th, this is my promise। तो these are the few benefits, आपको 10+10 का ऑफ मिल रहा है ना, 10 यहाँ पर मैं लिख दूँ आपको, 10%+10% का ऑफ मिल रहा है, पहला बेनिफिट। आपको सारी सॉफ्ट कॉपीज मिल रही हैं, आपको 11th क्लास की बायोलॉजी मैं रिवाइज करवाऊंगा पर्सनली, हर एक चैप्टर को सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये तीन बेनिफिट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, और साथ में 12th तो हो ही रही, प्लस कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको पैरेलल में करनी होंगी, है ना। टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। और मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, आज क्विज इसी टॉपिक का है बच्चे, ये कुछ हैं जो चीजें हैं, आपको हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन ये चैप्टर दे रहा है, मैं आगे भी यही बताऊंगा जब तक चैप्टर नहीं खत्म होता, आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और ये जो मैथड मैंने इस चैप्टर में लगाया है, ये सारे ही मैथड आपको प्लस पर मिलने वाले हैं, एडिशनल कुछ बेनिफिट्स और, है ना। तो आ जाओ प्लस पर सारे बच्चे, अगेन बोल रहा हूँ, एंड द थिंग इस चैप्टर से एवरी ईयर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और कभी कभी ये 8 मार्क्स भी हो जाते हैं, राइट। तो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नई चीज, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल तो है ही है, आपको ये समझना होगा कि एस्ट्रस साइकिल है ना,
भी क्या होती है, इसका मतलब कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं, है ना, कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स की बात कर रहा हूं, फीमेल मैमल की बात कर रहा हूं, यहां पर किसकी, फीमेल मैमल की बात कर रहा हूं, जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर एक साइक्लिक चेंज होता है ना, उनके ओवरी के अंदर, है ना, और साइक्लिक चेंज को हम यहां रिप्रोडक्टिव साइकिल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल। वेरी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल टॉपिक है एक चीज। एंड गुड मॉर्निंग बेटा चिन्मय, गुड मॉर्निंग, आज काफी बच्चे आए हुए हैं एंड इट इज अ गुड थिंग ना। और कभी भी ट्राई करो, कभी भी ट्राई करो कि मान लो कोई चीज छूट जाए तो बाद में ये वीडियो जरूर देखो। मैं नहीं कहता है तुम 9 to 10 ही आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम लाइव हो या नहीं हो। लाइव का एक फायदा जरूर है कि तुम अपनी चीजें पूछ सकते हो, है ना, अपनी चीजें पूछ सकते हो। जैसे जो है, अभी इसका मुझे नाम नहीं पता, ये गेमिंग करके, अर्मा लाइट गेमिंग करके नाम दिया हुआ है इसने, अपना ओरिजिनल नाम रखो भाई। तो इसने पूछा आज किसका क्विज है, क्योंकि ये 2-4 दिन से नहीं आ रहा था तो उसको नहीं आइडिया होगा। बट स्टिल मैं दोबारा बता दूं, आज क्विज किसका है, इसी रिप्रोडक्टिव साइकिल का, कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद रखेंगे ना। आज जो क्विज है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, शाम को प्रिपेयर रखना। और आएगी सिर्फ इसी से, जो मैंने पीडीएफ ये पढ़ा रहा हूं इसी से आपको आएगी चीजें, और ये अभी जस्ट आफ्टर द क्लास आपको मिल जाएंगी। बातें समझ में आ रही हैं, हाँ या ना? चलो जी, जब ये कहानी समझ में आ रही है तो देर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, दो तरह के ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं बच्चे, राइट? वन इज एस्ट्रस साइकिल, अनदर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या? एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इजी, बहुत सिंपल, है ना। क्या क्या है इसमें, इसको समझेंगे। पहले समझेंगे एस्ट्रस साइकिल एग्जैक्टली क्या है, क्या एस्ट्रस साइकिल एग्जैक्टली क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, ढंग से समझना। तो जो एस्ट्रस साइकिल है ना, इसको लाइन बाय लाइन समझो। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू डेज ऑफ एस्ट्रस। एस्ट्रस का मतलब ही होता है क्या, हीट, कुछ ही दिन वो हीट। हीट का मतलब ओवुलेशन हो गया है, बात समझ पा रहे हैं, फीमेल फर्टिलाइज, मतलब फर्टाइल हो चुकी है, बातें समझना, है ना। और ओनली फ्यू डेज ऑफ हीट और बाकी टाइम एन एस्ट्रस। एन एस्ट्रस मतलब विदाउट हीट, दैट इज क्वेसेंट, रुकी हुई है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये सीजनल साइकिल भी बोलते हैं क्या, ऑल्सो नोन एज व्हाट, सीजनल साइकिल, ऑल्सो नोन एज व्हाट, सीजनल साइकिल। आपको ये याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। जब एस्ट्रस साइकिल, अच्छा ऐसी चीजें आपको मैं अभी एग्जांपल दूंगा, जैसे डॉग हैं, है ना, या काऊ हैं, इन सब के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, मतलब एक सीजन में ही ब्रीड कर रहे हैं क्योंकि उसी टाइम उनके अंदर ओविलेशन हुआ, बाकी टाइम ओविलेशन होता ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे, बाकी टाइम में ओविलेशन ही नहीं होता। लेकिन ह्यूमंस के अंदर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, एवरी मंथ वो साइकिल रिपीट होती है, एवरी मंथ, और उसमें सीजन वाइज, एस्ट्रस में सीजन वाइज और मेंस्ट्रुअल में एवरी मंथ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो फ्यू डेज ऑफ हीट एंड रेस्ट ऑफ द टाइम क्वेसेंट्स। अच्छा, ओनली ड्यूरिंग दिस एस्ट्रस पीरियड, है ना, फीमेल सेक्सुअली रिस्पॉन्सिव होते हैं, उसी टाइम मेल कॉपुलेट करते हैं। और आपने अगर देखा हो कभी कभी किसी डॉग में या किसी पिग में या किसी डोंकी में, है ना, ये दे स्मेल द वजाइनल पार्ट, बिकॉज वो कुछ सेक्रीशंस होते हैं, फिरोमोन्स बोलते हैं, जिसकी बेसिस पर ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ फीमेल हीट में है या नहीं है। और अगर हीट में है तो देन दे आर अलाउड टू अलाउ अ मेल टू कॉपुलेट, देन दे अलाउ अ मेल टू कॉपुलेट, है ना। और इसी टाइम में एग रिलीज होता है, एस्ट्रस साइकिल में सीजनल एग रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल में क्या होता है, एवरी मंथ एग रिलीज होता है, ओवुलेशन वर्ड यूज करते हैं ना, यहां पर एग रिलीज होते हैं ड्यूरिंग हीट किसी भी पर्टिकुलर सीजन में, राइट? अच्छा, ड्यूरिंग एन एस्ट्रस फीमेल बिकम पैसिव एंड डू नॉट एक्सेप्ट अ मेल, इस बात को समझेंगे। और मोस्ट स्पीसीज ऑफ मैमल के अंदर क्या होते हैं, एस्ट्रस साइकिल होते हैं, बहुत कम में मेंस्ट्रुअल, जैसे हम लोग प्राइमेट्स वगैरह हैं, इनके अंदर क्या होते हैं,
मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, बाकी सब में क्या होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स हैव एस्ट्रल साइकिल, ये वर्ड याद कर लो, शाम को क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। नाउ बहुत से मैमल्स वो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उसी टाइम ओवुलेशन होता है, सिर्फ उसी टाइम होता है ना, ये बात समझ पा रहे हैं। और यही बात यहां पर भी दे रखी है उसी से रिलेटेड, तो एस्ट्रो साइकिल का बेसिक मतलब समझ में आ गया, हाँ या ना जल्दी से बताओ। अगली बात करता हूं, ये दोबारा से मैं बोल रहा हूं, एक्सेप्ट प्राइमेट्स, एस्ट्रो साइकिल सारे मैमल्स में मिलते हैं, हर मैमल में है ना। और इस बात को आपको समझना होगा, इंपॉर्टेंट है, काउ है बफेलो है, बात को समझना, ये जो हैं ये तो नॉर्मल है ही है, इनके अंदर एक प्रॉपर कहानियां होती हैं। एस्ट्रो साइकिल एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, थ्रू आउट द ईयर चल रहा है, कहां पर, थ्रू आउट द ईयर, बातें समझना, डिफरेंस अभी समझेंगे। तो और इनका कोई स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, लेकिन जैसे डॉग हैं, कैट हैं, इन सब के अंदर स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन होता है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे छोटी सी बात है, एक डाटा है, ये क्वेश्चन आपको शाम को पूछ सकता हूं, रैबिट में एस्ट्रस साइकिल कितने दिन का, 7 days का है ना, रैट में सिर्फ 5 days का है ना, डॉग हैज 1 cycle पर ईयर, पूरे साल में ही एक साइकिल आएगी, बात को समझना। और नए वाले जो न्यू वर्ड मंकी है, नॉर्मली मंकीज में क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, न्यू वर्ड मंकी हैव क्या, एस्ट्रस साइकिल, राइट। और एक खास बात समझना, एस्ट्रस साइकिल में, अच्छा एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस समझना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है और ये एस्ट्रस साइकिल, इसमें एंडोमेट्रियम वॉल शेड होती है, यहां पर लिखा हुआ है ना, एंडोमेट्रियम वॉल शेड हो जाएंगी बच्चे, ठीक है, ओके, सद्दाम है, ये सद्दाम है, ठीक है। और उसमें नो शेडिंग है ना ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, याद रखेंगे ना, यहां कोई ब्लीडिंग जैसा सिस्टम नहीं हो रहा है एस्ट्रस साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो शेड ऑफ हो जाती हैं, बॉडी से रिलीज हो जाती हैं, एक डिफरेंस तो आपने यहीं पर पढ़ लिया। अगली बात कर रहा हूं बच्चे, कई ऐसे होते हैं जिसमें एवरी मंथ ये चीजें हो रही हैं, और कई होते हैं जो एक ही बार होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्या, डॉग में पूरे साल में एक बार होती है। तो इसमें क्या होता है, ओनली वन एस्ट्रस साइकिल इज प्रेजेंट, और यहां पर मल्टीपल एस्ट्रस साइकिल, मेनी एनिमल्स एस्ट्रस साइकिल आर फाउंड इन ब्रीडिंग सीजन ओनली है ना, इन द ब्रीडिंग सीजन और ब्रीडिंग पीरियड के फॉर्म में। तो काउ है मल्टीपल टाइम्स है ना, जो भी आपने बफेलो वर्ड यूज किया, पिग यूज किया, हॉर्स यूज किया, शिप यूज किया, स्क्वायरल यूज किया, इसमें मल्टीपल टाइम्स की बात करें, दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको मोनो एस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस में कंसेप्ट को समझाएगा। बट ये चीज आपको याद रखनी है कि मोनोएस्ट्रस पॉलीएस्ट्रस क्या है, और उससे भी इंपॉर्टेंट एस्ट्रस साइकिल क्या है। अगर समझ में आ रहे हैं, मैं दोबारा से एक बार समझा रहा हूं, सलोनी ने बोला अपने डाउट प्लीज पूछ लिया करो यार है ना, पूछ लिया करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम वॉल शेड होती है फीमेल से है ना, फीमेल से एंडोमेट्रियम वॉल शेड होंगी, बट एस्ट्रस साइकिल में ओवुलेशन तो होगा, एग भी डेड होंगे, लेकिन एंडोमेट्रियम वॉल शेड नहीं होंगी। दिस इज द मेन डिफरेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस एस्ट्रस साइकिल में, ठीक। जैसे कि मैंने बताया रैबिट के अंदर 7 days में होते हैं, 5 days में होते हैं, तो इट वेरीज, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा वही 28 days ह्यूमन वाली बात कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो आपको स्पेशली यहां पर याद रखने पड़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। सलोनी समझ में आई बात बेटा, तो ये आपको मैंने चीजें बता दी। नाउ हम बात करेंगे किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो भी चीजें रिलीज होती हैं है ना, दैट इज नोन एज मेंसेस, मेंसेस या फिर मेंसेस की बात करें या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो भी डाउट हो प्लीज मुझे पूछ लेना, मुझसे पूछ लेना जो भी डाउट हो है ना। थोड़ा सा लैग है मेरे और तुम्हारे सुनने में, तो मैं जब बोल रहा हूं उसके बाद तुम लगभग 5 या 6 सेकंड बाद सुन रहे हो है ना, तो
तो लैग है, मैं यहाँ पर चैट के थ्रू समझ लेता हूँ, बट स्टिल कोई बात नहीं, चीज़ों को सिस्टमेटिक समझो, कुछ भी पूछना हो पूछ लो यहाँ पर चैट में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें बहुत डीप में समझनी है कंसेप्चुअली। मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली है क्या, जरा डीप में समझो, है ना। एक साइक्लिक एक्टिविटी के फॉर्म में पहली चीज तो याद कर लो 28 डेज की होती है। ये सारा इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिखा ताकि तुमको नोट्स मिल पाए बच्चे, तुमको क्या मिल पाए, नोट्स मिल जाए। तुम इस पीडीएफ को जब देखो इसी से नोट्स अपने बना लो, कॉपी जरूर बनाना, कॉपी जरूर से जरूर बनाना सारे बच्चे, ठीक है, जरूर बनाना कॉपी। और हो सके, मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास है तो हो सके मुझे एक मैसेज भी डाल देना, लो जी सर मैंने कॉपी बनाई, इसकी एक स्नैपशॉट एक स्क्रीनशॉट देख लो कैसा है, तुम्हारी राइटिंग भी मुझे समझ में आ जाएगी, राइटिंग का भी इंपैक्ट पड़ता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जो भी 28 डेज की साइकिल है जिसमें साइक्लिक चेंज होती है ना, ये साइक्लिक एक्टिविटी हो रही है फीमेल में, उनको कलेक्टिवली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एक बात आपको याद रख लेनी है, है ना, एक बात आपको स्पेशली यहां पर याद रख लेनी है फर्स्ट थिंग। और इस बात को भी आप समझो जो कि इंपॉर्टेंट है, ये ऑनली इन प्राइमेट्स एक्सेप्ट, मैंने बोला था क्या, न्यू वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड मंकी क्या होते हैं वो आपको एनिमल किंगडम जब मैं रिवाइज करवाऊंगा, इस बात को समझ लो। नॉर्मली आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ रहे हो और ट्वेल्थ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, है ना, तो आप देखो मैं कुछ डिफरेंस बता रहा हूं। एक है नीट, मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं है, लोग भाई 70-70-80-80 हज़ार रुपए ऑफलाइन कोचिंग में दे देते हैं मिनिमम, अदरवाइज कोचिंग्स की बात करो या मैं अपनी ही की बात कर लूँ कोचिंग की, काफ़ी महंगी फीस हैं, काफ़ी कॉस्टली फीस हैं, लाइक 1,40,000, 1,50,000, तो एक नॉर्मल फॉर्म में 1 ईयर की फीस होती है। मैं रिकमेंड करूँगा लाइक 12,500 भाई यहाँ पर है, 30,000 यहाँ पर है ना, ये 11,000 बन जाती है और ये 27,000 बन जाती है, मतलब कितना टोटल, कितना 38,000। दोनों का फायदा क्या होगा, यहाँ से आपको बोर्ड की प्रिपरेशन हो गई, है ना, यहाँ से आपको नीट की प्रिपरेशन हो गई। अच्छा नीट में क्या है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, लेकिन अच्छे लेवल पर, अच्छे लेवल पर, बढ़िया वाले, मेरे खुद के टीचर, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे खुद के टीचर जिनसे मैंने पढ़ाई की थी अपने टाइम में 11th 12th में, वो आज अनअकैडमी पर नीट पर लाइव पढ़ा रहे हैं, है ना। सो भाई 2005 में ट्वेल्थ की थी मैंने, 2005 की बात कर रहा हूँ, और उस टाइम ये टीचर टॉप टीचर हुआ करते थे, आज भी वही हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा जो इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाले। बातें समझ में आ रही हैं, तो मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको, तो तुम्हारे पास 38,000 में सारा जुगाड़ हो गया, आप मेरा कोड यूज़ कर लो क्योंकि 10% ऑफ मिल जाता है आपको इस कोड के साथ में, 80 सर, है ना, सारी बुक्स आपको दे ही रहा हूँ, सारी बुक्स आपको दे ही रहा हूँ। एक चीज और ध्यान से समझना, एक चीज और, हाँ वो प्लस 10% वाला भी ऑप्शन है, एक चीज और आपको ऑप्शन दे ही रहा हूँ, क्या बोर्ड में आपको फायदा क्या मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो मिलती मिलती है बोर्ड लेवल की, किसी बच्चे को इंग्लिश पढ़नी है जी घर बैठे कैसे पढ़े, अनअकैडमी पर पढ़ ले, फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, या हिंदी पढ़नी, यही तो होगा या इसके अलावा भी कुछ है, या मैथमेटिक्स हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ इसी फीस में, और कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है तो नीट एडिशनली, और ऐसा नहीं है कि ये क्लास छूट गई तो अब देख नहीं सकते, उसको दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, जितनी बार समझना, टीचर के साथ डायरेक्टली चैट कर लो। बातें समझ में आ रही, तो ये कुछ फायदे हैं, पढ़ना शुरू कर दो। तो एक फायदा मैं तुमको और दूंगा, आपका 11th रिवाइज करवाऊंगा फॉर श्योर, अगर सिर्फ आप 12th भी लेते हो तो डोंट वरी, है ना, आपका पूरा 11th मैं रिवाइज करवाऊंगा, पूरा 11th, जस्ट आफ्टर मुझे टाइम दे दो, कब तक का, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, और अक्टूबर से ज्यादा तो जाएगा ही नहीं, सितंबर मैक्स, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक चला गया तो चला गया, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा सा स्क्वीज हो गया ना, 2-3 चैप्टर तो वैसे ही हटा दिए, इसलिए। तो इस बात को समझो, समझो, है ना, जैसे मेरे पास एक कल बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं उड़ीसा से हूँ और मेरे पास सिलेबस मेरा रिड्यूस नहीं हुआ, क्या आप पुराने सिलेबस भी कराओगे, तो पुराने सिलेबस के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना, प्लस मैं एडिशनली सब कुछ करा सकता हूँ क्योंकि नीट में अभी कुछ सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, तो मुझे कराना ही पड़ेगा, है ना। अब इस बात को समझें आप, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, चिन्मय कह रहा है पॉलीएस्ट्रस,
सर अगर किसी के पास सर का नंबर हो तो शेयर कीजिए। अरे मुझे डायरेक्टली अनअकैडमी पर मैसेज कर दे, मैं खुद ही शेयर कर दूंगा। पॉलीएस्ट्रस का मतलब क्या है? इनमें इनके जो ब्रीडिंग सीजन होते हैं, मेरी बात को समझना, ये सिर्फ अपने ब्रीडिंग सीजन में काम करते हैं। ब्रीडिंग सीजन इनका एक अलग होता है, प्लीज इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है, जैसे हमारे में ह्यूमंस में ब्रीडिंग सीजन जैसा कुछ सिस्टम नहीं है। एवरी मंथ दे कैन लाइक दे कैन रिप्रोड्यूस एनी टाइम, दे कैन रिप्रोड्यूस एनी टाइम, राइट? कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं है। लेकिन एस्ट्रस साइकिल का मतलब होता है जो ब्रीडिंग सीजन में हो, है ना? कहाँ गया? एस्ट्रस साइकिल का मतलब जो ब्रीडिंग सीजन में ही सिर्फ रिप्रोड्यूस करे। अब वो ब्रीडिंग सीजन सिर्फ एक बार आ रहे हैं या वो ब्रीडिंग सीजन बार बार आ रहे हैं? बार बार मतलब भाई 7 दिन का है, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, ये देखो रैट के अंदर 5 दिन का है, रैबिट के अंदर 7 दिन का है ना? तो ये जो है तो वो एक ही बार आया या बार बार आया? वो 7 दिन बाद फिर से जो है 15-20 दिन का वेट करके फिर से एक बार ब्रीडिंग आ गई। जैसे काऊ है, काऊ में एवरी लाइक एवरी मंथ तो नहीं है ना, लेकिन वही लगभग 40 से 40-50 दिन बाद फिर से उनका ब्रीडिंग सीजन आ जाता है। तो ब्रीडिंग सीजन, अच्छा ये ब्रीडिंग सीजन और फीमेल जो ह्यूमंस हैं उनमें कैसे डिफरेंस है? इसमें ब्लीडिंग होती है इसके बाद, और इसमें ब्लीडिंग जैसा सिस्टम नहीं है। बातें समझ पा रहे हैं? इनकी 28 डेज की साइकिल है, इनकी साइकिल का लेंथ फिक्स नहीं है। हाँ ब्रीडिंग सीजन का लेंथ फिक्स है, पूरी साइकिल कोई चेंज नहीं हो रही। ब्रीडिंग सीजन भाई इसमें ब्रीड करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे में तो जी फर्टाइल पीरियड अलग है, मेंस्ट्रुअल पीरियड अलग है ना, प्रोलिफरेटरी पीरियड अलग है, ओवुलेशन पीरियड अलग है, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता। ये बिल्कुल ही सेपरेट सिस्टम है। आई होप मेरी बातें सलोनी तू समझ पा रही है, आई होप मेरी बातें तू समझ पा रही है, हाँ या ना ये भी बता दे। अगली बात, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको यहां पर समझ में आ गई। ये देखो एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है जो मैंने आपके लिए यहां पर उठाया है, प्लीज समझो इस बात को, अच्छा डायग्राम है। इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, इससे आपको सारी चीजें ही समझ में आ जाएंगी कंसेप्चुअली, मतलब कंसेप्चुअली। कैसे? आप यहां देख रहे हो ओवेरियन साइकिल, ठीक है, और आप यहां पर देख सकते हो बॉडी टेम्परेचर। आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सा एडिशनल मैंने यहां एक्सप्लेन किया है ना। यहां पर पिट्यूटरी हार्मोन की बात की गई है, यहां ओवेरियन हार्मोन की बात की गई, और उसका इफेक्ट यूटरस पे क्या पड़ रहा है। यूटरस की देखो ये एंडोमेट्रियम वॉल है, ये क्या है? एंडोमेट्रियम वॉल, और एंडोमेट्रियम वॉल कम हो रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और फिर यहां पर फिर से शेड हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेंसेस, जो मैंने बताया ना मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंसेस। एक एक करके समझेंगे हर एक को, ये फर्स्ट लगा लो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, पांचों चीजों को हम सिस्टमेटिक एक एक करके समझेंगे तभी समझ में आएंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्लीज समझो, प्लीज समझो। इसके बाद मैं एक फ्लो चार्ट भी तुमको बनाऊंगा, एक तुम्हारे लिए एक फ्लो चार्ट भी बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ओवरी में क्या क्या चेंजेस होंगे, मेरी बात को पैरेलल में समझना। ओवरी में जब एफएसएच आएगा, एफएसएच कहां से आता है बच्चे आपको पता है? दिस इज एफएसएच, दिस इज एफएसएच, ये दिख रहा है तुमको एफएसएच है ये, कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी गार्ड में। जैसे जैसे एफएसएच आता जाएगा, एफएसएच बढ़ता जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होते जाएंगे, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर हो गया यहां पर एलएच आएगा। आप देख रहे हो ना एलएच का लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये जो है ना, इसका लेवल सडनली ओवुलेशन के टाइम में बढ़ गया, दिख रहा है यहां पर एरो बना दी मैंने। ओवुलेशन के टाइम में एलएच का लेवल सडनली बढ़ गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? याद करेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन है, एलएच सर्ज, ये बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलएच सर्ज? एलएच सर्ज इज द सडन इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ रिलीजिंग ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ड्यू टू विच ओवुलेशन अकर, या सेकेंडरी ओसाइट रिलीज्ड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। दिस प्रोसेस इज नोन एज एलएच सर्ज, सडन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज नोन एज व्हाट? क्या? एलएच सर्ज, सर्ज इंक्रीज होना।
तो देखो ग्राफियन फॉलिकल था, सबसे फर्स्ट वाली लाइन पर देखना, ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन हुआ है ना, राइट। आई होप सारे बच्चों को प्रॉपर विजिबल है, अपना जो स्क्रीन है उसको टिल्ट करके देखो या लैपटॉप पे देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो जो ओवुलेशन हुआ उसकी वजह से फिर बाद में क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम जिसकी वजह से हमेशा प्रोजेस्टेरॉन बनता है। बातें समझ पा रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन बनता है, ये वर्ड याद रखिए, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से हमेशा प्रोजेस्टेरॉन बनता है। और ये जो एस्ट्राडियोल है, मेरी बात को समझेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज, आप यू समझ लो एस्ट्रोजन, इसी को हम एस्ट्रोजन बोलेंगे हमेशा, प्लीज मेरी बात को समझो, इसी को हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोजन। तो हमेशा ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसी से क्या बनेगा, एस्ट्रोजन। तो जैसे ग्राफियन फॉलिकल बनता जाएगा एस्ट्रोजन का लेवल देखो ऊपर बढ़ रहा है ना, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जैसे बन गया प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर बढ़ गया, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे एंडोमेट्रियम वॉल बढ़ेंगे, ये देखो बढ़ती गई, और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, उस ग्राफियन फॉलिकल, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है इसको होल्ड करके रखना। तो मैं यहां पर चार चीजें आपको बताऊंगा, सबसे पहले क्या हुआ, वेट, सबसे पहले क्या हुआ, मैं इसका ये चेंज कर रहा हूं, हां जी, सबसे पहले क्या हुआ, FSH रिलीज हुआ। FSH रिलीज होने से, प्लीज मेरी बात को समझें, FSH रिलीज होने से हुआ क्या कि ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुए। इस फ्लो चार्ट को नोट कर लेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज गलत नहीं होगी। ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होने से क्या प्रोड्यूस होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन से क्या होगा, एस्ट्रोजन से क्या होगा, एस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम वॉल बनेंगी। बिल्कुल ठीक बात है, इसी ग्राफियन फॉलिकल पर LH आकर लग जाएगा, बात को समझेंगे, LH आकर वर्क करेगा LH सर्ज के फॉर्म पे। कब लगता है, 14th डे पर। अब देखो ना यहां पर 14th डे, यहां पर सबसे नीचे दे रखा, सबसे नीचे देखो, 0 डे, 14 डे, 8, तो 14th डे पर LH रिलीज, एक्सेस में रिलीज होता है, नॉर्मली हल्का हल्का रिलीज होता है बट एक्सेस में रिलीज होता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल ने क्या किया, ओवुलेशन किया, जिसकी वजह से ओवा रिलीज हुआ, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। दिस विल बिकम व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ध्यान से समझेंगे, ये प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है इसको होल्ड करना। अगर तुम इस फ्लो चार्ट को समझ गए तो तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक भी कंसेप्ट कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। दोबारा एक बार बता रहा हूं, प्लीज मेरी बात को सारे बच्चे समझो, और यस और नो में आंसर देना कि समझ में आया नहीं, सारे बच्चे जो भी यहां पर अवेलेबल हो। FSH रिलीज हुआ कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये बात बिल्कुल क्लियर। और जब ये रिलीज हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल बना भाई, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, किसकी हेल्प से, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ग्राफियन फॉलिकल जब बना तो वो ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करवा रहा है ना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी बता दो जिनको समझ में आ रही चीजें। एस्ट्रोजन से बात को समझें, क्या बना, एस्ट्रोजन क्या बनाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल, ये बात तो एक बिल्कुल क्लियर हो गई। पैरेलल में तब तक 14th डे आ जाएगा ये सब काम होते होते, और LH ने क्या बना दिया, मतलब LH ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर रिलीज होकर ओवुलेशन करवा दिया। ओवुलेशन जैसे ही हुआ, ओवा तो रिलीज हो गया, अब ये फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। हाँ जी, ये ग्राफियन फॉलिकल बच्चे क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, मेरी बात समझ पा रहे हो। एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करता है, होल्ड करता है जो एंडोमेट्रियम वॉल बनाई किसने थी, एस्ट्रोजन ने, और उसी को पैरेलली यहां पर बनाया हुआ। देखो
अब इस डायग्राम को देखो, पैरेलल में समझना है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कितना था, कम हुआ ज्यादा हुआ, सबसे ऊपर में ओवेरियन साइकिल में देखो ग्राफियन फॉलिकल का क्या हुआ, सबसे नीचे यूट्राइन साइकिल में देखो एंडोमेट्रियम वॉल कम हो रही है या बढ़ रही है, और बढ़ तभी रही है जब एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होगा और उसको होल्ड कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो दिस इज द बेसिक बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एग्जाम में ये बनाना पड़ेगा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है। अब बताओ जल्दी से सारे बच्चे, आई होप सबको क्लियर हो रही है चीजें, है ना, मैं देख लूं कितने यस आए हैं। यहां पर 1 यस आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक दो बच्चे हैं जो अभी यस नहीं बोल रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ गई ये बात, तो जरा इसको एक एक करके समझते हैं, वेरी इजी। देख रहे हो ना डे वन में मेंसेस रिलीज होते हैं, है ना, फिर यहां पर क्लिक करेंगे हम तो इस तरह से 7 to 14 डेज में प्रोलिफरेटरी फेज होते हैं और ये सारी चीजें हैं, इसको देख लेना, है ना, तुम्हारे पास पीडीएफ के फॉर्म में है चीजें, राइट। और फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा, 1 egg cell रिलीज होंगे, इस तरह से चीजें आपको यहां पर चलती हैं। शुरू करते हैं सबसे पहला, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको 4 phases में डिवाइड किया हुआ है ना, 4 phases में मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक तो वहां कंसेप्ट बताया, अब ये फेजेस को समझ लो, किस फेज में क्या होता है, है ना, किस फेज में क्या होता है। सबसे पहला फॉलिकुलर फेज, है ना, ध्यान से समझ पा रहे हैं, यहां दिख रहा है। दूसरा ओविलेटरी फेज, तीसरा यहां पर ल्यूटियल फेज, ठीक, और चौथा मेंस्ट्रुअल फेज, राइट। इसको जरा अच्छे से समझेंगे, पहला फॉलिकुलर, दूसरा ओविलेटरी फेज, तीसरा ल्यूटियल फेज, और पांचवा ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, जो भी आप बोलना चाहो, ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्लीज मेरी बात को समझेंगे, FSH की वजह से यहां पर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप करते हैं, और ग्राफियन फॉलिकल से मैंने क्या बताया, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, और एस्ट्रोजन से क्या होता है मैंने ये भी बताया, एंडोमेट्रियम वॉल बनती है। बस एक बार इस फ्लो चार्ट को समझ लो फिर अपने आप समझ जाओगे, एंडोमेट्रियम वॉल बनती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब ये सारी चीजें कितने दिनों तक, 9 से 10 दिनों तक होती हैं, 9 से 10 दिनों तक ये सारी चीजें होती हैं। ल्यूटियल फेज कितने दिन का होता है, 9 से 10 दिन का होता है। अब 14th डे पर LH का एक्सेस में रिलीज होना, अभी मैं एक साइकिल भी सिखाऊंगा तुम्हें, उसकी वजह से ओवा का रिलीज होना या ओवुलेशन कहलाता है, ओवा रिलीज हुआ एट 14th डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है भाई, फर्स्ट से स्टार्ट हुई तो 14th कैलकुलेट करेंगे, बात समझ पा रहे हैं, 5 से स्टार्ट किया तो 19th को ओवुलेशन कैलकुलेट करेंगे, 14th डे, ये वर्ड याद रखें। ल्यूटियल फेज में क्या होता है बच्चे, क्योंकि ओवा रिलीज हो चुका है तो अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम है यहां पर, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है क्योंकि ओवुलेशन हो चुका है, तो कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर रहे हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम वॉल होल्ड हो जाएंगी, और जब इसका लेबल कम होना शुरू करेगा, ब्लीडिंग में क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेबल बिल्कुल से कम हो जाता है क्योंकि FSH वगैरह का लेबल कम हो जाता है, FSH का लेबल कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, ये सब चीजें जब कम होने लगती हैं तो वो जो एंडोमेट्रियम वॉल होल्ड करके रखा था, जो प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो होल्ड तो होगा नहीं, वो सारा शेड ऑफ हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो चार फेजेस आपको याद रखने, बच्चे प्लीज समझो मेरी बात को, ताकि शाम के क्वेश्चंस को यूं मक्खन की तरह करो, तुम तुक्की भिड़ाते हो कई बार, ऐसा मैंने देखा है, वही बच्चा जो 5 questions सही कर रहा है 2 questions में तुक्की भिड़ाकर गलत कराता है, क्यों ऐसा, ट्राई करो कि कंसेप्ट को समझो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओरिजिनल हार्मोन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो है FSH बनाएगा क्या, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बच्चे क्या बनाएगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जब बन गया तो ठीक है,
उसी ग्राफियन फॉलिकल में एलएच भी आएगा और उसकी वजह से क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम ही बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन, दैट्स इट, और वो एंडोमेट्रियम वॉल को होल्ड करके रखता है। अब ये जो सारे प्रोसेस मैंने हार्मोनल बताया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया चार पार्ट्स में। पहले साइकिल का नाम मैंने यहां बता दिया फॉलिकुलर फेज, दूसरा ओवुलेटरी फेज, तीसरा ल्यूटियल फेज जब कॉर्पस ल्यूटियम है, अब चौथा ब्लीडिंग फेज। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, है ना, ध्यान से। सारे बच्चों को ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं? चलो, आई होप। तो ये 9 से 10 दिन चलता है और FSH की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, दिस इज RF का मतलब क्या हुआ, रिलीजिंग फैक्टर, दे इंक्रीज द सेक्रीशन ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, और जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल बन गया, है ना, और ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। यही तो बात हुई ओवुलेटरी फेज, या इसी को हम फर्टाइल फेज भी बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा यहां पर, है ना, रप्चर हो जाएगा, रप्चर टू रिलीज ओवम, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज यस ओवुलेशन। और ये कब होता है, 14th डे पर होता है, है ना, ये कब होगा, 14th डे पर होगा। और ये चीज याद रखेंगे, बाकी कहानियां हैं आप पढ़ लोगे, है ना। और ओवम कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, ये वर्ड याद कर लो, ये अपने आप में क्वेश्चन है। 2 दिनों तक वायबल हो सकता है, ठीक है, और ओवुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ LH इन ब्लड एंड दैट इज कॉल्ड एज, मैंने आपको क्या बताया, LS सर्ज, दैट इज नोन एज व्हाट, LH सर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात समझ पा रहे हैं। और एग किस फॉर्म में रिलीज होता है, प्लीज इस बात को भी याद कर लो। बच्चे सोचते हैं जो ओवुलेशन हुआ तो ओवा निकलेगा, नहीं, ओवुलेशन हुआ तो क्या निकलेगा, सेकेंडरी ओसाइट निकलेगी, ये मैंने आपको ओवोजेनेसिस में ऑलरेडी बता रखा है, हाँ या ना। तो ये 4-5 जो मैंने अंडरलाइन किए, इसको जरूर पढ़ना है, बाकी आप अपने लिए पढ़ लेंगे। अगली बात समझते हैं, आई होप सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इन बातों को। LH ऑल्सो स्टार्ट चेंज टू एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल इन टू कॉर्पस ल्यूटियम, और सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस से हमेशा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं, है ना, और जो आपकी सेकेंडरी ओसाइट है वो किससे सराउंडेड होती है आफ्टर रिलीजिंग, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो प्राइमरी मेम्ब्रेन और सेकेंडरी मेम्ब्रेन मैंने आपको पढ़ाया था, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा, दोनों बातें ही मैंने बताई थी, है ना। अच्छा, ओवुलेटरी फेज में एंडोमेट्रियम वॉल पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है, है ना, और ओवुलेशन, ओवुलेशन के बेस पर 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक फिक्स्ड या फिर स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर्स। इसका मतलब क्या, वो एक फिक्स साइकिल पर, जैसे ह्यूमन है 14th डे पर ओवा रिलीज करेंगे तो करेंगे, फिक्स है ना, स्पॉन्टेनियस फॉर्म में, भाई मिड ऑफ द साइकिल उन्होंने ओवा रिलीज कर दिया, ये बात बड़ी सिंपल सी है। एक होते हैं जब कॉपुलेशन होगा तभी ओवा रिलीज होगा, जैसे कि रैबिट, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड या फिर रिफ्लेक्स ओविलेटर, और जो ब्रीडिंग सीजन में ही सिर्फ ओवा रिलीज करते हैं उसके अलावा रिलीज नहीं करते, जैसे कि फ्रॉग, उनको बोलते हैं सीजनल ओविलेटर, सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ओवा रिलीज करेंगे उसके अलावा नहीं करेंगे। थर्ड फेज की बात कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से समझेंगे, ल्यूटियल फेज, है ना, या इसी को हम सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, पोस्ट ओविलेटरी फेज भी बोलते हैं, पोस्ट ओविलेटरी फेज भी बोलते हैं, वर्ड को याद रखें, है ना, पोस्ट ओविलेटरी फेज, ठीक है। सो इट लास्ट अबाउट, लाइक आपसे पूछा जाता है ओविलेटरी फेज कितने दिनों का होता है, तो 12 से 14 दिनों का होता है, प्लीज याद कर लो, कितना, 12 से 14 दिनों तक का, यही चीज याद रखेंगे, बाकी एक्सटेंड कितना हुआ एक अलग चीज है। और जब ल्यूटियल फेज है तो उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हुआ, कहां से रिलीज हुआ, ग्राफियन फॉलिकल से बना, ग्राफियन फॉलिकल से ओवा निकाल दो तो उसको क्या बोलते हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवा निकाल दो तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है बच्चे, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। दूसरा नाम इसका क्या है बच्चे, हाँ जी, दूसरा नाम क्या है इसका, येलो बॉडी, ठीक है। तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, इंक्रीज इन साइज, सो इट इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको क्या बताया, बातें समझ पा रहे हैं, और ये अपने पीक पर कब पहुंच जाता है, 22वें दिन। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे
पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अगली बात को समझो। लास्ट वन इज, जैसे ये सारी चीजें हो गई, फिर ब्लीडिंग फेज आते हैं जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ सेकेंडरी ओसाइट का, तो डेड ओवा जैसे ही जाएगा वो एक सिग्नल भेजेगा कि जी मैं तो डेड हो गया, तो एंडोमेट्रियम वॉल भी तुरंत शेड हो जाएंगी, आरबीसीज भी डेड हो जाएंगी। मेरी बात को समझना। तो मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज जो है, ये 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है फीमेल्स के अंदर, 3 से 5 दिन तक, है ना। तो ये कभी भी हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको पता ही है ना। कभी भी मतलब वो जो इनिशियल फेजेस में 3 या 5 दिन, कुछ लोगों में 6-6 दिन भी जाता है, राइट। तो इसको बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल फेजेस या ब्लीडिंग फेजेस। और ओवम अगर अनफर्टिलाइज्ड हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां तक आते आते जो कॉर्पस ल्यूटियम है, धीरे धीरे भाई ग्राफियन फॉलिकल से क्या बना था, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है, पूरा डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा नहीं, प्रोजेस्टेरॉन बनेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल शेड हो जाएगी। बातें समझ पा रहे हैं। इसकी वजह से जो यूटरस के टिश्यूज थे वो मेंटेन नहीं कर पाते अपने आप को, और फाइनली उसकी वजह से क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, है ना, अलोंग विथ रप्चर्ड यूटराइन, है ना, और कितना, अराउंड 50 to 100 ml ब्लड। आप समझें, ये एवरी मंथ डिस्चार्ज होता है फीमेल में। 100 ml इज लाइक मैसिव अमाउंट, बहुत वीकनेस और बहुत पेन फील होता है। बातें समझ पा रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 50 to 100 ml ऑफ ब्लड इज रिलीज्ड अलोंग विद सम म्यूकस डिस्चार्ज थ्रू वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइना के थ्रू, एंड दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। आपसे पूछते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या है, डेड ओवा, और ओवम की जगह ये क्या बोलेंगे हम इसको, सेकेंडरी ओसाइट प्लस डेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो में कभी भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट, नो क्लॉटिंग फैक्टर। डेड सेल्स, राइट, और प्लस साथ में डेड एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बातें समझ पा रहे हैं। तो डेड ओवम, डेड ब्लड्स और डेड एंडोमेट्रियम वॉल कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो, कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, मेंस्ट्रुअल फ्लो। आपसे ये चीजें कई बार समझ में पूछी जाती हैं। क्या मेरी बातें सारे बच्चे समझ पा रहे हैं अभी तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल इजी है या टफ है? सीधी सी बात पूछ रहा हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इजी है अब या टफ है अभी भी? सीधी सी बात पूछ रहा हूं, सारे बच्चे जल्दी से आंसर देंगे सारे बच्चे। देखो बच्चे, पेन क्यों होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्सट्रीम स्टमक में, इस एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में पेन क्यों होता है? एंडोमेट्रियम वॉल है, यूट्रस एरिया को पूरा कवर कर रखी है। देखो यूट्रस है तुम्हारा, है ना, यहां समझा दूं? हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ये देखो, ये सर्विक्स और ये वजाइना, ये एंडोमेट्रियम वॉल, और ये एंडोमेट्रियम वॉल जो यहां पर ऑलरेडी लगी हुई है, जब ये टूटनी शुरू करेंगी, भाई साहब ध्यान से समझना, जब ये टूटनी शुरू करेंगी, बॉडी से एक चीज रिमूव हो रही है, रिलीज हो रही है अंदर ही अंदर, और पेट तो वैसे भी, एब्डोमिनल एरिया वैसे भी एक सॉफ्ट एरिया है, तो जैसे ही वो शेड ऑफ होना शुरू करेंगे तब पेन होना शुरू करेगा। तो जब जब वो टूटेंगे तब तब आपको पेन होगा, और ये तो बड़ा नॉर्मल सा पेन है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो इसी में, इसी एरिया में वो फीटस भी अटैच होता है, और जब वो, जब पार्चुरेशन के फॉर्म में बच्चा निकलना चाहता है और फिर वो वहां से टूटता है, एंड देन इट इज कॉल्ड एज लेबर पेन, वो तो इसका हजारों गुना पेन होता है। इस बात को समझेंगे, जो पेन है उस पेन का हजारों गुना लेबर पेन होता है ना, और हमें इस चीज को फील करना होगा। देखो भाई, चलो लड़के हैं जो, उनको ये चीज पता नहीं है, और अभी टीनेज है तो ऐसी चीजें उतनी फील नहीं होती तुम्हें, ना भी समझ में आएंगी कितना भी मैं समझा दूं, राइट। बट इस एज में आकर उस चीज को मैं फील करता हूं कि भाई हमारे पेरेंट्स ने, है ना, मदर्स ने हमारी कितना पेन हैंडल किया है, हमें सिर्फ बर्थ के लिए, हमारी बर्थ के लिए,
लेबर पेन अपने आप में बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, अब इस तरह से मैच्योर हो चुका हूँ कि समझता हूँ इन चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से। तो लेबर पेन एक्सट्रीम पेन होता है एक, और फीमेल के लिए तो यूं समझ लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ एक तरह से हेडेक है, पेन फील करना, पेन को हैंडल करना, तो इससे ज्यादा और क्या बात समझ पा रहे हैं। तो कई कई बार तो इरिटेट हो जाते हैं फीमेल कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों, बट है, भगवान ने बनाया है, वो सिस्टम बनाया है तो बनाया, कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो ये कहानी समझ गया, जब एंडोमेट्रियम वॉल शेड हो रही होती है तो टूटता है, वो टूटता है तो पेन होता है, वो पेट में मरोड़े से होते हैं, बहुत दर्द होता है, दवा खा के सोते हैं और कई चीजें होती हैं। राइट नाउ संग्राम लेट है, अच्छा तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गई बातें, है ना, वेरी इजी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, डिक्रीज्ड इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इन ब्लड स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस एंटी रिप्रोडक्टरी, एक पॉजिटिव फीडबैक बनाता है और एफएसएस स्टार्ट फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस यही बातें थी, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, है ना, ये देख रहे हो ना, साइकिल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया, ध्यान से समझना। 1 to 5 days क्या है, प्लीज समझो इस साइकिल को, कलर ले लू एक मिनट, हाँ जी, 1 to 5 days क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, रिलीज हो रही है एंडोमेट्रियम वॉल और उसके साथ में सारा मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसको बोल रहे हैं ब्लीडिंग फेज, है ना, ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना कि पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं का इसका मतलब क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत कॉमन सी चीज है। अगर तुम बच्चे मैच्योर बनो, देखो बायोलॉजी वाले इस मामले में मैच्योर होते हैं क्योंकि उनको हर चीज की बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, मैथ्स वालों से ये बात करो तो वो तो दांत निकालने लगते हैं, अरे ये क्या बोल रहे हैं, और इस चीज में मैच्योर बनना पड़ेगा बायोलॉजी वाले बच्चे या जो भी बच्चे हैं। आपने पैडमैन मूवी देखी है, पैडमैन मूवी क्या बेहतरीन मूवी है और कितने सिस्टमेटिक, एकदम नॉर्मल चीज है यार, इस बात को समझेंगे, इसको बहुत हैवॉक क्रिएट कर देते हैं, अरे पीरियड्स आ रहे हैं, है ना, नहीं बिल्कुल नॉर्मल सी चीज। तो पैडमैन मूवी देखो, चीजों को सिस्टमैटिक समझ पाओगे, एक जो एक फीमेल की प्रॉब्लम्स हैं और वो चीजें हैं, लोग जाते हैं और किसी भी तरह का जो भी पैड यूज करते हैं ऐसी चीजें उसको बड़ा छिपा कर लेकर आते हैं, जैसे कौन सा चोरी कर रहे हैं, नॉर्मल चीज है, जिसको समझना है समझो, नहीं समझना तो तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है यार, बड़ी सीधी सी चीज। सो ये जो ब्लीडिंग फेज है ये 5 दिनों तक चल रहा है, जैसे ही ब्लीडिंग खत्म होती है फॉलिकुलर फेज, है ना, फॉलिकल्स डेवलप होने शुरू करते हैं, है ना, और जो भी ऑर्गेनिज्म इस फेज में रिप्रोड्यूस करेंगे उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन विंडो। और प्लीज मेरी बात को समझना, ये 14th डे इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस 14th डे इज नोन एज ओवुलेशन, मेरी बात समझ पा रहे हो, ओवुलेशन बोला यहां बातें समझ रहे, ओवुलेशन की बात करें फर्टाइल विंडो के। नेक्स्ट 17 to 28 days ल्यूटियल फेज, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है, ये तगड़ा वाला प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि नाम ही ल्यूटियल फेज है, कॉर्पस ल्यूटियम यहां बहुत सा है, पीक पर है और वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा। फॉलिकुलर फेज यहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, अब प्लस 14th डे पर क्या हो चुका है, ओवुलेशन, तो उसके 2 दिन 3 दिन आगे पीछे उसको बोलते हैं फर्टाइल विंडो। आई होप ये साइकिल आपको समझ में आ रही है 28 डेज की, हाँ जी ये साइकिल आपको समझ में आ रही है आपको 28 डेज की, यस और नो सारे बच्चे, ये साइकिल आपको समझ में आ रही है यस और नो, ये 28 डेज की साइकिल है सिंपल सी, जिसमें ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटियल फेज चारों की बात यहां पर की गई है। जल्दी से कुछ चीजें और बताना चाहता हूं, जब भी कभी फर्टिलाइजेशन होता है, प्लीज समझो मेरी बात को क्विक फॉर्म में, है ना, मैंने शायद 2-4 मिनट लेट क्लास शुरू की थी तो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ही लूंगा तुम्हारा जब तक अपना ये टॉपिक नहीं हो जाता, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, सो हैव पेशेंस, राइट। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो फीटस है वो इम्प्लांट हो जाएगा कहां पर, एंडोमेट्रियम वॉल में, तभी तो एंडोमेट्रियम वॉल बनी, और वो भी आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, आगे मैं फर्टिलाइजेशन भी आपको पढ़ाऊंगा, है ना, तब वो प्लेसेंटा बन जाते हैं और प्लेसेंटा स्टार्ट प्रोड्यूसिंग HCG हार्मोन। HCG एग्जैक्टली लाइक LH है और वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे, उसी का दूसरा नाम है एस्ट्राडियोल, है ना, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और कोई प्रेग्नेंट हो गया, इसका
जो है एक साइन क्या है, सिग्नल क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आई ही नहीं भाई, इट मींस दैट लेडी इज प्रेग्नेंट. तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड इज नोन एज साइन ऑफ प्रेगनेंसी, साइन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर कॉपुलेशन. अब भाई कॉपुलेशन हुआ ही नहीं फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही तो हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये नहीं कि जो है प्रेगनेंसी कॉज हो गई. ठीक है, अच्छा ये बाकी चीजें यहाँ पर हैं, ये फर्टिलाइजेशन में आपको मैं बता दूंगा, है ना, फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में मैं बता दूंगा. पीडीएफ है तो अभी भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेना कि मिस कैरेज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है लेकिन उसकी वजह से 10 से 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है ना डीजनरेट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जिसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन बनता ही नहीं, तो जो प्रेगनेंसी है वो बेकार हो जाती है, तो उससे बच्चा बाहर आ जाता है ना भाई, जो चिपका हुआ है एकदम से रिलीज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज मिस कैरेज, है ना. और एक वर्ड है मेनोपॉज, मेनोपॉज आपको मैंने बताया ही था क्या, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. कब से कब तक, 40 से 45 साल की एज में ऐसी चीजें होती हैं, है ना, और एवरेज एज उसका मतलब कितना हुआ, है ना, 52, लाइक दोनों का एवरेज निकाल दो एक ऐसे समझ लो, है ना, 52 के अराउंड में. और इसमें फीमेल्स के अंदर, है ना, इस बात को समझेंगे, FSH वगैरह और ऐसी चीजें कम होती हैं और इसकी वजह से एस्ट्रोजन नहीं बनता और इसकी वजह से क्या, एंडोमेट्रियम वॉल नहीं बनते, एंडोमेट्रियम वॉल ही नहीं बनेंगे तो शेड क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा. अच्छा, फंक्शन ऑफ टेस्टिस डिक्लाइन स्लोली विद द एज, स्पेशली एट द एज ऑफ 40 to 50, है ना, और टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट भी कम हो जाता है. तो ऐसी चीजें मेल्स में भी होती हैं लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, मेल्स में स्पर्म हमेशा लाइफ टाइम बनते रहते हैं. और मेल क्लाइमेक्टेरिक का मतलब क्या हुआ, मेल्स के अंदर टेस्टिस का फंक्शन कम हो जाना. फीमेल क्लाइमेक्टेरिक का मतलब क्या हुआ, फीमेल में मेनोपॉज हो जाना. ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. कुछ डिसऑर्डर्स मैं आपको बताना चाहता हूं पैरेलल में. लेट आया तो टॉपिक नहीं पता तुझे, अच्छा जब मैं फर्टिलाइजेशन समझाऊंगा ना सलोनी, तब मैं तुझे ट्रोफोब्लास्ट सेल के बारे में समझाऊंगा. जो इम्प्लांट होते हैं ना, यहाँ पर ये नीचे सेल्स होती हैं जो एंडोमेट्रियम वॉल के साथ में अटैच कर जाती हैं, दैट सेल ऑफ जाइगोट, है ना, जो डिवाइड करके एंडोमेट्रियम वॉल के साथ में अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रोफोब्लास्ट सेल. उसमें मैं समझा दूंगा आपको. कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, डिसऑर्डर्स के बारे में. स्टेरिलिटी फीमेल्स के अंदर, तो अगर वो जेनाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन या स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टेराइल फीमेल, है ना. दूसरा, अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही तो दैट डिसऑर्डर इज नोन एज एमेनोरोहिया. ठीक है, हाइपरमेनोरोहिया का मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग इन फीमेल. अच्छा, एक्सेस में पेन हो रहा है फीमेल के अंदर, एक्सेस में, एक होता है नॉर्मल पेन होना और एक होता है एक्सेस पेन होना. एक्सेस जो पेन है दैट इज कॉल्ड एज डिसमेनोरोहिया, है ना, ये बात याद करेंगे. और कभी भी जब कोई फीमेल में प्रेगनेंसी कॉज होगी, राइट, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इसको चेक किया जाता है फॉर द प्रेगनेंसी, राइट. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना. और इस बात को भी समझेंगे, इस बात को भी समझेंगे, हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में कंप्लीट चीजें पढ़ी हुई हैं, है ना. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वी हैव, जिसकी वजह से वी कैन कंट्रोल द प्रेगनेंसी. आई होप सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में सिस्टमैटिक तरीके से आ रही हैं. और मुझे ज़रूर बताओ कि आज का लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितने कंसेप्ट क्लियर हुए, कितने नहीं हुए, है ना, कहाँ कहाँ पर डाउट रह गया, है ना, कहाँ कहाँ पर डाउट रह गया, राइट. HCG की फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. इसका काम क्या होता है, LH की तरह काम है, ये रिटेन करती है कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम को रिटेन करते हैं बच्चे. सो फाइनली अपना जो टारगेट है इसको भूलना मत, मुझे बार बार ना बताना पड़े. हमारा टारगेट है बायोलॉजी में 100 में 100. सो लेट्स क्रैक 12 CBSE साइंस एग्जाम विथ मी ओनली एट Unacademy. लगे रहो, मेहनत से पढ़ते रहो. और एक बार और लास्ट में मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक बातें, कमेंट कर देना जो कि तुम करते रहते हो, है ना, राइट. सब्सक्राइब कर देना मतलब चैनल को, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाओ, बेल आइकन हिट कर दो. सबसे अच्छी चीज़ क्या, फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करो,
इससे क्या होगा, अगर तुम मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो ऑफिशियली तुम मुझसे जुड़ जाओगे, ऑफिशियली तुम मुझसे जुड़ जाओगे। जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर एक फीडबैक फॉर्म है, उसको फिल करो, अपना नाम, फोन नंबर और किससे बात करना चाहते हो। तो यू हैव, यू कैन टाइप 80 सर, आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो आप वहां पर अपना फीडबैक फॉर्म भी फिल कर सकते हो। इनफैक्ट कर दो, मेरे कहने पर अभी कर दो, ठीक है, फीडबैक फॉर्म फिल कर दो एंड प्लस पर आ जाओ। इस कोड के साथ में मैंने आपको 10+10 का ऑप्शन दे दिया है ना, मैंने आपको बहुत सी PDF का प्रॉमिस कर दिया, और एक जो बड़ा प्रॉमिस है ना, आपको 11th भी मैं करवाऊंगा अपने अलग से YouTube चैनल पर 11th के लिए। तो आपको इतनी चीजें मिल रही हैं प्लस के साथ में, तो प्लस पर आना क्या बुरा है ना, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर, क्योंकि आप इस कोड के साथ में, आप इस कोड के साथ में 10% ऑफ ले रहे हो और 10+10 का ऑफ ले रहे हो। यूज दिस कोड एंड सेंड मी दिस स्क्रीनशॉट, यूज दिस कोड एंड सेंड मी दिस स्क्रीनशॉट। मैं चाहता हूं हम लोगों का जो डाउट ग्रुप बना हुआ है उसमें मेरे सारे बच्चे प्लस पर आ जाएं, वो सारे बच्चे प्लस पर आ जाएं और एक अलग ही सिस्टम शुरू हो। इसी वीक में आपको कुछ प्लस के कोर्सेज इकोलॉजी के स्टार्ट हो जाएंगे, मैंने कोर्स प्लान बनाकर भेज दिया है, अब जैसे ही वहां से अप्रूवल आ जाएगा वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो ज़रूरी हैं। कल मैं इसी से रिलेटेड कुछ और आगे की बात करूंगा। शाम को इसी का टेस्ट होगा पोलिंग के फॉर्म में, किस पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल की पोलिंग होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की पोलिंग होगी। जो भी बच्चे हैं मैं चाहता हूँ 10 में आया हो, इसी बहाने सपोज तुमने 10 वाले ऐसे पोलिंग कर ली, तुम्हारा एक चैप्टर तैयार हो गया भाई, समझ रहे हो। इसकी PDF मैं अभी तुरंत भेज देता हूँ। आज के लिए बच्चा इतना ही है ना। प्लस बेटा इसी वीक से सलोनी, प्लस इसी वीक से कौन कौन बच्चे हैं जो प्लस पर मेरे साथ आएंगे, हाँ जी, कौन कौन से बच्चे हैं जो प्लस पर मेरे साथ आ रहे हैं, है ना, प्लीज मैसेज में लिखो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, आज के लिए बिल्कुल सिस्टमैटिक इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय।